पेपर वन पेपर टू का डेली वीडियो पीडीएफ पाने के लिए आप हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर वन पेपर टू का फुल कोर्स पीडीएफ ले सकते हैं या घर बैठे बुक्स भी मंगवा सकते हैं। उसके लिए आपको हमें कॉन्टैक्ट करना होगा या व्हाट्सएप करना होगा इस नंबर के ऊपर। सारी जानकारी आपको यहाँ पर दे दी जाएगी। हेलो एवरीवन, आई एम साक्षी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द स्टडी भारत चैनल। आज का हमारा टॉपिक है लिबरलिज्म। Liberalism, political doctrine that takes protecting and enhancing the freedom of the individual to be the central problem of politics. तो लिबरलिज्म है क्या? लिबरलिज्म एक जो है आज़ादी होनी चाहिए सभी को, एक प्रोटेक्शन है हमारी जो फ्रीडम को ये इन्हांस करता है, जो कि पॉलिटिक्स की प्रॉब्लम है कि कैसे हमें जो है फ्रीडम देनी है। Liberals typically believe that government is necessary to protect individuals from being harmed by others. तो liberal जो हैं वो ये believe करते हैं, उन्हें उनकी जो ये उनका ये faith है कि जो जो हमारी government है उस उन्हें जो है हमारी हम protection करने के लिए जो है, ताकि हम किसी भी तरीके का कोई हमें harm ना कर सके, इसीलिए जो गवर्नमेंट बनाई गई है ताकि वो हमारे अच्छे ढंग से जो है प्रोटेक्शन कर सके। बट दे ऑल्सो रिकोगनाइज दैट गवर्नमेंट इट सेल्फ कैन पोज अ थ्रेट टू लिबर्टी। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि बार गवर्नमेंट की वजह से ही जो है हमें लिबर्टी जो है आज़ादी नहीं मिल पाती, तो वही जो है आज़ादी पर हमारे जो खतरा है वो भी कई बार गवर्नमेंट ही लगाती है। एज अ रेवोल्यूशनरी अमेरिकन पैम्फलेटर थॉमस पेन एक्सप्रेस्ड इट इन कॉमन सेंस, गवर्नमेंट इट इज़ एट बेस्ट एंड नेसेसरी इवन। तो थॉमस पेन जो है उन्होंने अपने कॉमन सेंस में, जो कि एक रेवोल्यूशनरी अमेरिकन पैम्फलेटर थे, उन्होंने गवर्नमेंट को एक नेसेसरी इवल कहा है, एक बुराई की तरह उसे यूज़ किया है। लॉज, जजेज एंड पुलिस आर नीडेड टू सिक्योर द इंडिविजुअल्स लाइफ एंड लिबर्टी। जैसे कि जो लॉज हैं या जजेस हैं वो हमें क्यों चाहिए? ताकि हम सभी की जो है प्रोटेक्शन हो सके, हम सिक्योर रहें, चाहे हमारी ज़िंदगी जो है वो सिक्योरिटी से बीत सके। बट देयर कोएर्सिव पावर मे ऑल्सो बी टर्न्ड अगेंस्ट हिम। लेकिन कई बार जो है वो चीज़ें ऑपोजिट भी हो जाती हैं। द प्रॉब्लम दैट इज डिवाइज अ सिस्टम दैट गिव्स गवर्नमेंट द पावर नेसेसरी टू protect individual liberty but also prevent those who go on from abusing that power. तो ये तो है ही है कि जो लिबर्टी है वो क्या करती है, हमें प्रोटेक्ट करती है, हमारी इंडिविजुअल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करती है। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि अगर कोई व्यक्ति जो है उन्हें वायलेट करता है उन रूल्स और रेगुलेशंस को, तो उसे जो है अब्यूज़ किया जाता है, उसे पनिशमेंट दी जाती है। द प्रॉब्लम इज कंपाउंडेड वन वन आस्क Whether this is all the government can or should do on behalf of individual freedom. तो कई बार होता है कि ये प्रॉब्लम अराइज होती है, क्या यही है जो एक गवर्नमेंट यही कर सकती है, वो सिर्फ यही करेगी कि जो इंडिविजुअल है उसे फ्रीडम दी जाए। सम लिबरल द सो कॉल्ड न्यू क्लासिकल लिबरल्स और लिबर्टेरियंस आंसर दैट इट इज़। तो जो न्यू क्लासिकल लिबरल्स हैं वो कहते हैं कि हाँ, गवर्नमेंट जो है वो यही काम करती है। सिंस द लेट 19th century हाउएवर मोस्ट लिबरल्स हैव इंसिस्टेड दैट द पावर ऑफ गवर्नमेंट कैन प्रमोट एज वेल प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल। तो वो कहते हैं 19th century के जो लिबरल्स होते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, हमें प्रमोट करती है, हमारी प्रोटेक्शन करती है, ताकि हर एक व्यक्ति जो है वो फ्रीडम से रह सके। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न लिबरलिज्म द चीफ टास्क ऑफ गवर्नमेंट इज टू रिमूव ऑब्स्टेकल्स दैट प्रिवेंट इंडिविजुअल्स फ्रॉम लिविंग फ्रीली और फ्रॉम फुली रियलाइजिंग देयर पोटेंशियल। तो मेन काम क्या है हमारी गवर्नमेंट का मॉडर्न लिबरलिज्म के अकॉर्डिंग, कि जो कुछ भी रुकावटें हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं, उन्हें रिमूव करना, इंडिविजुअल्स को प्रिवेंट करना, सभी व्यक्तियों को प्रिवेंट करना, उनकी प्रोटेक्शन करना, ताकि वो आज़ादी से रह सकें, फ्रीली रह सकें। तो ये जो इनके मेन काम है। सच ऑब्स्टेकल्स इंक्लूड पॉवर्टी, डिजीज, डिस्क्रिमिनेशन एंड इग्नोरेंस। तो इसमें जो है गरीबी भी आती है। कुछ इनके ऑब्स्टेकल्स क्या हैं, क्या है गरीबी है कि बीमारी है, डिजीज़ है, कई बार क्या होता है भेदभाव होता है, या कोई इग्नोरेंस है। इन द यूनाइटेड स्टेट्स लिबरलिज्म इज एसोसिएटेड विद द वेलफेयर स्टेट पॉलिसीज ऑफ द न्यू डील प्रोग्राम ऑफ द डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ
प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। तो यूएस में यूएस के जो प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट हैं, उन्होंने न्यू प्रोग्राम जो है स्टार्ट किया था, पॉलिसी बनाई थी ताकि सभी स्टेट जो है मोस्टली स्टेट जो है उनकी वेलफेयर हो सके। उन्होंने अपनी स्टेट अपनी कंट्री के लिए जो बनाया था प्रोग्राम वो था न्यू डील प्रोग्राम ऑफ द डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो वेयर एज इन यूरोप इट इज़ मोर कॉमनली एसोसिएटेड विद अ कमिटमेंट टू लिमिटेड गवर्नमेंट एंड लजीज फायर इकोनॉमिक पॉलिसीज। तो ये जो यूरोप में क्या होता है, एक कमिटमेंट है कि जो गवर्नमेंट है वो लिमिटेड कार्य करेगी और लजीज फायर होगा इकोनॉमिक पॉलिसीज में। लजीज फायर है कि लेट द पीपल फ्री, तो फ्रीडम हर एक तरीके की होनी चाहिए। लिबरलिज्म इज़ अ पोलिटिकल फिलासफी कमिटेड टू द राइट्स एंड लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल। अब लिबरलिज्म है क्या? लिबरलिज्म एक पोलिटिकल फिलासफी है जिसमें हर एक व्यक्ति के राइट्स और लिबर्टी ऐड किए जाते हैं। इट कॉन्ट्रास्ट विद सोशलिज्म और कंजर्वेटिज्म विच आर सीन बाई लिबरल्स एज बींग टू टाइड टू आइडियाज अबाउट द ऑब्लीगेशन ऑफ इंडिविजुअल्स टू द कलेक्टिव एंड द स्टेट रादर देन देयर फ्रीडम फ्रॉम सच इंस्टीट्यूशंस। एज विद कंजर्वेटिज्म इट शुड नॉट बी इक्वेटेड विद द पॉलिटिक्स ऑफ लिबरल पार्टीज विच वाइल ऑफन एम्बेडेड इन द लिबरल ट्रेडिशन आर ऑल्सो वेडेड टू इंटरवेंशनिस्ट सोशल डेमोक्रेटिक वैल्यूज विच गो अगेंस्ट द लिबरल ग्रेन। तो ऐसी कुछ ऑब्लिगेशंस भी हैं इंडिविजुअल्स के लिए जो कलेक्टिवली काम करते हैं, सभी के साथ इक्वालिटी होनी चाहिए। तो कंजर्वेटिज्म जो है, हमने पहले भी पढ़ा, जो कंजर्वेटिज्म है उसमें इक्वालिटी जो है कम है। इट शुड नॉट बी इक्वेटेड, उसे हम लिबरल पार्टी के साथ इक्वेट नहीं कर सकते। द इंक्लूजन ऑफ नेचर इन द इथिकल कम्युनिटी कैन बी सीन एज एन एक्सटेंशन ऑफ लिबरलिज्म इन एन इकोलॉजिकल डायरेक्शन बिकॉज इट स्पीक्स इन ए टिपिकली लिबरल लैंग्वेज ऑफ राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। तो ये जो है एक टिपिकली लैंग्वेज यूज़ करते हैं हमारे एक एथिकल कम्युनिटी में ताकि ये जो रूल्स रेगुलेशंस उनके अकॉर्डिंग है सभी फॉलो हों। तो इनकी अपनी लैंग्वेज होती है, ये बहुत ही टिपिकल लैंग्वेज होती है। वट ग्रीन्स कैन सेज दैट दे आर टेकिंग द लिबरल लैंग्वेज ऑफ राइट्स टू इट्स लॉजिकल कंक्लूजन्स। तो ग्रीन्स क्या कहते हैं कि उन्होंने जो लिबरल लैंग्वेज को लॉजिकल लैंग्वेज की तरह, लॉजिकल कंक्लूजन की तरह जो है इसे यूज़ किया है। Rights have been extended from propertied man to slaves, the propertyless and woman and through the legal, political and social spheres of society. तो rights extend किए गए हैं कि property पे भी जो woman का भी अधिकार होना चाहिए, legally भी जो social sphere है सभी को जो है equality मिलनी चाहिए। It is the next logical step for them to extend it to future as well as present generation and to animals and other living and non-living organism. तो ये जो है सभी के future के लिए एक logical step है, चाहे वो present generation है, चाहे वो कोई animals के लिए हो, चाहे other living या non-living organism के लिए हो, उनके लिए ये एक logical step है। Humans by virtue of our relationship to nature in a wider community have ethical obligations to it. Ecologists discuss their concern with concept and preoccupations of long-standing concern from liberal political theory. तो ये जो है डिस्कस करते हैं अपने कंसर्न या कंसेप्ट जो कि लिबरल पॉलिटिकल थ्योरी पर आधारित हैं जो इकोलॉजिस्ट होते हैं। इन्फ्लुएंशियल क्लासिक लिबरल हैव बीन फाउंड एक्सप्लिसिटली प्रीच एनवायरमेंटलिस्ट वर्च्यूज। तो इसमें जो है एनवायरमेंट के कुछ वर्च्यूज भी जो है ऐड किए जाते हैं, प्रीच किए जाते हैं ताकि सभी की जो है डेवलपमेंट हो। जोहन स्टुअर्टमिल वॉज एन अर्ली एडवोकेट ऑफ द स्टेशनरी स्टेट इकोनॉमी एंड जर्मनी बैंथम ऑफ द एक्सटेंशन ऑफ राइट्स टू एनिमल्स एज सेंटिमेंटल बींग्स। तो जोहन स्टुअर्टमिल जो है उन्होंने स्टेशनरी स्टेट इकोनॉमी जो है उसको एडवोकेट किया है, मतलब कि उसको सपोर्ट करते थे, और जर्मनी बैंथम जी जो हैं वो एनिमल्स के राइट, जो एनिमल्स को भी सभी राइट्स होने चाहिए उसे सपोर्ट करते थे। However, there is a lot in liberal political theory that runs counter to radical ecology. लेकिन फिर भी जो liberal political theory है उनमें बहुत कुछ है, radical ecology भी इसमें ही जो है count होती है। Individualism, the pursuit of
private gain, limited government and market freedom are contradicted by radical ecology, commitment to the resolution of environmental problems as a collective good and to intervention and restrictions on economic and personal freedoms to deal with them. तो इंडिविजुअलिज्म जो है इसमें प्राइवेट गेन पर भी जो है सपोर्ट किया जाता है, लिमिटेड गवर्नमेंट होनी चाहिए, मार्केट में जो है फ्रीडम होनी चाहिए, मार्केट फ्रीडम होनी चाहिए. तो ये कुछ जो चीज़ें हैं कई बार कॉन्ट्राडिक्शन होती है इनमें. तो ये इनमें कुछ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी हैं जो जिससे सभी सोल्यूशन आए और सभी का कलेक्टिवली गुड हो. तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी जो है लगाई जाती हैं इकोनॉमिक और पर्सनल फ्रीडम. सो व्हाइल इकोलॉजी कुड बी सीन एज एन एक्सटेंशन ऑफ लिबरलिज्म, तो जो इकोलॉजी है वो भी लिबरलिज्म का, लिबरलिज्म जो है उसका एक्सटेंशन ही है. मतलब कि लिबरलिज्म में आगे व्यूज जो हैं वो ऐड की गई हैं, वो इकोलॉजी बन जाती है. देयर आर अदर सेंसेज इन विच द टू आर कॉन्ट्रोडिक्टेड टू वन अनदर, और कुछ व्यूज़ इसमें ऐसे भी हैं जिसमें ये दोनों कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं. देयर आर एलिमेंट्स ऑफ लिबरलिज्म इन इकोलॉजिकल पोलिटिकल थ्योरी बट इकोलॉजी गोज अगेंस्ट लिबरलिज्म एज वेल एज ड्रॉइंग ऑन इट. इन दिस केस इकोलॉजी चैलेंजेस ट्रेडिशनल पोलिटिकल थ्योरी, तो जो इकोलॉजी है वो चैलेंज करती है ट्रेडिशनल पोलिटिकल थ्योरी को. मतलब कि जो इकोलॉजी है उसमें इतने ट्रेडिशनल वेज जो हैं वो यूज़ नहीं किए जाते. बट बाय ड्रॉइंग ऑन इट इट डजंट अंडरमाइन इट एंड शोज दैट ग्रीन पोलिटिकल थ्योरी डजंट स्टैंड अलोन. तो ये शो करती है जो ग्रीन पोलिटिकल थ्योरी है वो अकेली नहीं शो करते एज अ न्यू पोलिटिकल थ्योरी विच ब्रेक्स विद द ओल्ड ट्रेडिशंस टू सपोर्ट इट सेल्फ ऑन एनवायरमेंटल आर्ग्यूमेंट अलोन. तो जो ग्रीन पोलिटिकल थ्योरी है वो अकेली नहीं है जो एनवायरमेंट के जो आर्ग्यू जो एनवायरमेंटल मॉडल्स हैं या एनवायरमेंट को अकेली सपोर्ट करती है, ऐसा नहीं है. या फिर जो ओल्ड ट्रेडिशंस को ब्रेक करती है, उनके और भी जो थ्योरीज हैं वो एनवायरमेंट के बारे में जो है आर्ग्यू करते हैं और ट्रेडिशंस को ब्रेक करते हैं. सो आज हमने लिबरलिज्म के बारे में जाना. सो होप यू लाइक दिस चैनल. जय हिंद, जय भारत.